बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को नसीहत दी, कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए न दे बयान, केवल प्रवक्ता ही करे मीडिया से बात। दिल्ली में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव तक अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने रहने का फैसला लिया गया। इसका फायदा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह को भी मिला है। राकेश सिंह भी मध्य प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। बता दें कि इसी साल 18 अप्रैल को राकेश सिंह को नंद कुमार सिंह चौहान की जगह बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल भिलाई पहुंचने वाले हैं, जहां वो चरोदा मैदान में आम सभा को संबोधित कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। साथ ही भिलाई चरोदा में ही कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह, मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के साथ साथ प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। जिन योजनाओं का गडकरी शिलान्यास करने वाले हैं, उनमें मुख्य तौर पर 2,281 करोड़ की लागत से बनने वाला रायपुर तुर्क बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके अलावा 53,349 करोड़ की लागत से बनने वाले रायपुर दुर्ग 23 फ्लाईओवर शामिल है। कांग्रेस ने कल यानी सोमवार को भारत बंद बुलाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस के इस बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के समर्थन में सोमवार को व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। बता दें कि हाल ही में दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स से कई मुद्दों पर कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा, कहा कि हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, इसलिए कल भारत बंद होगा। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि जब डीजल 55 रुपए लीटर था, तब बीजेपी और मोदी प्रदर्शन करते थे, अब उनका मुंह नहीं खुल रहा। धार पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उनका आरोप कि जब जब नफरत बढ़ी है, तब तब बीजेपी ने राज किया है। जब इस देश में प्रेम की भावना, एकता की भावना बढ़ी है, तब कांग्रेस जीतती है। जीतू पटवारी ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा को आड़े हाथ लिया। दावा किया कि इस बार जनता आपको रवानगी के लिए आशीर्वाद देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा मंडला को पीछे आ पहुंची। सीएम शिवराज सिंह के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और प्रभात झा मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों, आईटीआई भवन समेत कई अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मंडला में सड़कों का जाल बिछाया, स्कूल कॉलेज की स्थापना की, आदिवासी गरीबों को 1 रुपए किलो चावल, गेहूं और नमक दिया, गरीबों को उनके लिए संबल योजना बनाई गई। संबल योजना के तहत 4 साल के अंदर मकान बनाकर देंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गरीब आदिवासियों को बिजली फ्री में मिलेगी, बिजली के बड़े बिल सरकार पटाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश का विकास नहीं किया, 50 साल में कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनाई, बिजली सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। प्रचार और जनसभा के दौरान स्वर्णों के विरोध से बीजेपी सजग हो गई है। 12 सितंबर से शुरू होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संभागीय दौरे को पार्टी ने रद्द कर दिया है। सूत्रों की माने तो स्वर्णों के विरोध को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया। शाह का दौरा 25 सितंबर को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के बाद तय किया जाएगा। कमलनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के एमपी में संभागी दौरे रद्द होने पर तंज कसा, कहा कि अब इन्हें संदेश मिलने लगा है, अभी आगे और संदेश मिलेंगे, इसके साथ ही दौरे कैंसिल होते चले जाएंगे। अमित शाह का दौरा रद्द होने पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस धैर्य बनाकर रखे, दौरा जरूर होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि स्वर्णों के आंदोलन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची अब 20 सितंबर तक आने की संभावना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर कहा कि 12 सितंबर तक पहली सूची जारी करने की कोशिश थी, लेकिन पार्टी के सर्वे के कारण पहली सूची आने में थोड़ी देरी हो सकती है। अब यह सूची 20 सितंबर तक जारी हो सकेगी। 30 सितंबर को रायपुर के गांधी मैदान में जनता दल यूनाइटेड का संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे, जहां वो शराबबंदी का मुद्दा जोर शोर से उठा सकते हैं।
कार्यक्रम के मद्देनजर छत्तीसगढ़ प्रभारी जेडीयू महासचिव रविंद्र प्रसाद सिंह और विधायक वशिष्ठ नारायण सिंह रायपुर पहुंच चुके हैं। आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए संकल्प रथ को भी हरी झंडी दिखाई गई है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने SC/ST एक्ट का समर्थन किया है। दीपक जोशी ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि जनता से मिले फीडबैक के आधार पर एक्ट में संशोधन किया गया है। हालांकि जब मंत्री दीपक जोशी से पूछा गया कि सरकार ने जनता से कब और किस तरह का फीडबैक लिया, तो इन सवालों का जवाब मंत्री जी के पास नहीं था। दरअसल राज्य मंत्री दीपक जोशी आज झाबुआ में एक निजी संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को ग्वालियर में आज सपाक्स और सवर्ण कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रभात झा या बीजेपी की संभागीय बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान सपाक्स और सवर्ण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उन्हें और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जाहिर किया। भोपाल में फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। 12 पैसे बढ़कर 86.24 रुपए पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम में 11 पैसे की बढ़ोतरी, अब 76.50 रुपए प्रति लीटर हो गया। रायपुर में भी पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सर्वोच्च स्तर पर। रायपुर में पेट्रोल 80.88 रुपए जबकि डीजल की कीमत 78.39 रुपए प्रति लीटर हुई। डिंडोरी के शहपुरा पहुंची कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गुटबाजी देखने को मिली। यहां शहपुरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व राज्य मंत्री गंगा उरैती की दो बेटियां कृष्णा उरैती और रूपा उरैती टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं। मानस भवन परिसर के अलावा पूरे शहर में दोनों बहनों का पोस्टर द्वार देखने को मिला। इससे पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कृष्णा उरैती अपनी मौसी गंगा उरैती के खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार के चुनाव में गंगा उरैती ने उनकी बेटी रूपा उरैती को टिकट मिलने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कृष्णा उरैती को पार्टी का गद्दार बताया। छत्तीसगढ़ में सत्र जल्दी खत्म करने को लेकर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने अब सत्र शुरू करने पर भी निशाना साधा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 और 12 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया है। वही नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव ने विधानसभा सत्र को गैर जरूरी बताते हुए रमन सरकार पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक सरकार ने जनता को चुनावी लॉलीपॉप देने के लिए सत्र बुलाया है। बड़वानी जिले के सिंधवा में पुल निर्माण की मांग को लेकर 50 से ज्यादा लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सिंधवा के नजदीक नकटी रानी गांव में कोई नदी पर पुल की मांग को लेकर ग्रामीण जल सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से पुलिया बनाए जाने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने आज कांग्रेस की अपील पर कोई नदी में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। दरअसल 5 साल पहले कोई नदी पर बने बैराज के बैकवाटर के यहां पर आने से जो सफर पहले 2 से 3 किलोमीटर का था, अब बढ़कर 10 से 12 किलोमीटर का हो गया है। सुकमा में CRPF की 150वीं बटालियन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जवानों ने दुर्नालपाल से 4 किलोमीटर दूर बटोटा के पास NS-30 से 10 किलो का IED पंप बरामद किया है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए IED पंप झाड़ियों में छिपा रखा था, हालांकि जवानों ने IED को डिफ्यूज कर दिया है। सिंगरौली में NCL के चयन परियोजना के सीनियर मैनेजर शैलेंद्र पंसारी के घर और दफ्तर पर CBI ने छापा मारा। जबलपुर से आई CBI की टीम शनिवार पूरी रात कार्रवाई में जुटी रही। छापेमारी की कार्रवाई आज भी जारी है, हालांकि CBI ने इस छापेमारी से जुड़ी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि परियोजना में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका के मद्देनजर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भिंड के दबोहा गांव में एक युवक के खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से युवक बेहोश हुआ। इसके बाद परिजन उसे भिंड के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने युवक का चेकअप कर उसे मृत घोषित किया। युवक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक के परिजनों का दावा कि पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते ही उसकी सांस चलने लगी। परिजन जब तक डॉक्टर को बुलाने पहुंचे, युवक की सांसें दोबारा थम गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामा करते हुए अस्पताल के बाहर चक्का जाम किया। रायसेन जिला अस्पताल में एक और मासूम पर इंतजामियों की भेंट चढ़ गया। इलाज नहीं मिलने से 4 दिन के मासूम ने दम तोड़ा। सुनकर हैरानी होगी कि इस लापरवाह सिस्टम की वजह से 1.5 महीने में 18 मासूम की जान जा चुकी है। सदालतपुर गांव की एक महिला ने 4 दिन पहले एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को इन्फेक्शन के बाद जिला अस्पताल में SNCU वार्ड में शिफ्ट किया गया। परिजनों का आरोप कि
एसएनसीयू वार्ड में डॉक्टर नहीं होने के चलते बच्चे का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया। मासूम की मौत के बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर जमकर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बुलाकर मामला शांत कराया। नवजात की मौत के बाद अस्पताल में पहुंचे आरएमओ डॉक्टर यशपाल पाल्यान पात उनसे की गई तो उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बताकर पल्ला छाड़ा। बस्तर के नक्सली इलाकों में तैनात जवान मलेरिया की जद में करीब 300 से ज्यादा जवान यहां बीमार बताए जा रहे। जवानों की सेहत की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने 12,000 मेडिकेटेड मच्छरदानियां खरीदने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों की जांच किट और दवाइयां भी मुहैया कराने की बात कही गई। बीमार जवानों की संख्या के हिसाब से डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की जाएगी। भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क में जमुना नाम की शेरनी की मौत हो गई। जमुना देश में सबसे वृद्ध शेरों में गिनी जाती थी। बिलासपुर से लाई गई जमुना 8 साल से वन विहार में रह रही थी। भिलाई के पाटन क्षेत्र में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पत्नी की हत्या के बाद उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने आपसी विवाद में पत्नी को मौत के घाट उतारा। दमोह में दो शातिर बदमाशों ने बातों में उलझाकर टोल नाके पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों की करतूत टोल नाके में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कांकेर जिले के सरोना गांव में बाइक सवार 3 युवकों ने एटीएम में चोरी की नाकाम कोशिश की। शातिर चोर अपनी करतूत में कामयाब नहीं हुए तो मशीन को नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। धमतरी में रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। बस ने बाइक सवार 3 लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला समेत 1 युवक ने मौके पर दम तोड़ा। सतना जिले के शासकीय इंदिरा कॉलेज के गेट के सामने 2.5 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने मासूम की हत्या की आशंका जाहिर की है। पंकजोर के कोयली पेड़ा ब्लॉक के अंदरूनी क्षेत्र में स्थित बालक छात्रावास में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां हॉस्टल वार्डन की लापरवाही बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। न्यायिक चपरासी के भरोसे हॉस्टल छोड़कर वार्डन बिना सूचना के गायब रहते हैं। इसके साथ ही जो बच्चों की थाली में दूषित भोजन भी परोसा जाता है। मामले में जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शिवपुरी में बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कोनो नदी में जलस्तर बढ़ा। नदी रौद्र रूप दिखा रहा है। वहीं शिवपुरी और शिवपुर को जोड़ने वाला नदी पर बना पुल टूट गया। पुल टूटने से जहां शिवपुरी और शिवपुर का संपर्क टूट गया तो वहीं दोनों ओर से आवाजाही भी बंद हो गई। बड़ी बात यह कि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सिर्फ 3 महीने पहले इस पुल का लोकार्पण किया था। सतना जिले की बीहर नदी पर बने पुल का निर्माण कार्य 10 साल में पूरा नहीं हो पाया। इसके चलते लोगों को 15 से 30 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं नदी उफान पर होने की स्थिति में करीब 1 दर्जन गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस में उफनती गुंचारी नदी के पुल को पार करने के चक्कर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी बह गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी का कांच तोड़कर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। दमोह के चीलघाट गांव में एक जिंदगी को बचाने के लिए ग्रामीणों को अपनी भी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी। यहां एक महिला के बीमार होने पर ग्रामीण उसे चारपाई पर लिटाकर और कंधों पर उठाकर उफनती नदी का पुल पार करते दिखाई दिए। ग्रामीणों के मुताबिक यह पहला ऐसा मौका नहीं जब उन्हें ऐसा करना पड़ा। बावजूद इसके यहां प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। दमोह के तेंदुखेड़ा में बरघाट पुल के ऊपर पानी आने की वजह से प्रशासन ने सुरक्षा के तौर पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। छतरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर की नदी का जलस्तर बढ़ गया। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पहली बार घर पहुंचने पर लोगों ने हर्षिता का जोरदार स्वागत किया। हर्षिता और अध्ययन दोनों ने एक साथ मां नर्मदा का पूजन भी किया है। होशंगाबाद की रहने वाली आध्या तिवारी ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जिला प्रशासन ने सम्मान समारोह आयोजित कर हर्षिता और आध्या का गौरव पत्र देकर सम्मानित किया।
अर्चिता और आध्या को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं सम्मान समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने अपनी निधि से 25,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी विवेक सागर के इटारसी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विवेक ने जकार्ता में पाकिस्तान को हराकर भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाया है। जूनियर टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले विवेक सीनियर टीम का हिस्सा है। भोपाल की सड़कों पर एक ड्राइवर लेस कार तोड़ रही, इस रोबो कार को आईआईटी और संजय शर्मा ने ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से तैयार किया, जो दुनिया की पहली ड्राइवर लेस कार है। ये कार एक रोबोट की तरह काम करती है। कार खुद तय करती है कहां रुकना है, कहां टर्न लेना है, कितनी स्पीड से चलना है। संजय बीते 9 साल से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। नरसिंहपुर में एक बेबस माता पिता अपनी बेटी की तलाश में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से इतने आजीज आ गए कि उन्हें जनपद मैदान में एक पेड़ के नीचे धरने पर बैठना पड़ा। माता पिता की मजबूरी ये भी कि इन्हें पता ही नहीं कि इनकी बेटी अब इस दुनिया में है कि नहीं। धरने पर बैठे माता पिता ने 6 साल पहले बेटी अर्चना की शादी की थी। अर्चना के पिता का आरोप कि ससुराल पक्ष शादी के बाद से बेटी को परेशान कर रहा था। जुलाई के महीने में फोन आया कि तुम्हारी बेटी के साथ उसका पति मारपीट कर रहा है, लेकिन जब वो पहुंचे तो बेटी गायब थी। गरियाबंद में शनिवार की रात हवलदार ने गोली मारकर खुदकुशी की। हवलदार करण सिंह ने खुद को सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी की। करण सिंह सीआरपीएफ की 63वीं बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक हवलदार करण सिंह 2 दिन पहले ही छुट्टी से लौटे थे। अधिकारियों की माने तो करण सिंह पारिवारिक विवाद के कारण परेशान थे। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मामले की जांच में जुटी है। शिवपुरी जिले के गुना बाईपास पर बस और हार्वेस्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों को अब अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। आज से यहां पर खुली जेल की शुरुआत की गई है। सेंट्रल जेल परिसर के अंदर एक कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें चयनित कैदी अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। शुरुआत में 8 कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने का मौका दिया जाएगा। जिन कैदियों को खुली जेल में रहने का मौका दिया जा रहा है, वो सभी 10 साल से सजा काट चुके हैं। कैदियों के अच्छे आचरण को देखते हुए खुली जेल परिवार के साथ रहने का मौका दिया जा रहा है।